हेलो जी, नमस्ते। सारा ने आज हम बनाएंगे मटर मशरूम। मशरूम को हमने कट कर लिया है। अब इसमें गर्म पानी डालेंगे। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। दो तीन बार इसको अच्छे से साफ करेंगे। मशरूम को धो के मैंने पानी में से निकाल लिया। इस बोल में ये हमने दो प्याज लिए हैं, चार टमाटर, एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा, चार पांच लहसुन की कली और दो हरी मिर्च। इनको कट कर लेते हैं। अभी ये मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च को लहसुन को अदरक को कट कर लिया है। अभी हम बनाते हैं। ये हमने एक चम्मच तेल डाल लिया। तेल हमारा गरम हो गया, इसमें प्याज डाल देते हैं। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम नमक डाल देंगे और जब हमारे टमाटर पक जाएंगे ना तो हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब इसको ढक देंगे और मीडियम आंच कर देंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे हम इसको। इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे टमाटर गल गए हैं बिल्कुल। अभी गैस बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। ये हमने पीस लिया। ये अभी हम तेल डालेंगे थोड़ा। अभी इसमें जीरा डालेंगे। एक तेज पत्ता, जो मसाला हमने पीसा है ना अभी इसको डालेंगे। अब इसके साथ साथ में हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अभी हमें इसको अच्छे से भूनना है जब तक तेल अलग ना हो जाए। मिक्सी में जो मसाला था ना थोड़ा सा, वो गर्म पानी डाल लिया उसके अंदर। बीच बीच में चेक करते रहना हमारी ग्रेवी चिपके नहीं कहीं। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और साथ में मटर। अभी यहाँ पे दही डालेंगे दो चम्मच, गरम मसाला आधी चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दो। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा गरम पानी। अभी 5 मिनट इसको पकने देंगे। अब डालेंगे मशरूम। और ढक के 5 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे। मटर मशरूम हमारी बन के तैयार हो गई।